अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चीज़ी आलू मसाला सैंडविच, जो बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आप इसको इफ्तार टाइम भी बना सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चीज़ी आलू मसाला सैंडविच बनाने के लिए मैंने एक यहाँ बाउल ले लिया है और इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ के बॉयल आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप शिमला मिर्च चॉप की हुई, 1 मीडियम साइज़ के प्याज लिए चॉप की हुई, 1/4 कप मैंने गाजर ली है, 3 से 4 चम्मच स्वीट कॉर्न लिया है, 1/2 कप हरा धनिया लेंगे, 3 चम्मच स्प्रिंग अनियन लिया है, 2 कटी हुई हरी मिर्च ले लेंगे, 1 चम्मच शेजवान चटनी ले लेंगे, 1 चम्मच मिक्सर भी ले लेंगे, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स ले लेंगे, 1 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है और इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज ले लेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। मैंने नमक लास्ट में डाला ताकि सब्जियां पानी न छोड़ दें। अब हम ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे। मैंने बटर को पहले से निकाल के फ्रिज में से रख दिया ताकि ये मेल्ट हो जाए और आसानी से स्लाइस पे लग सके। अब दूसरे स्लाइस पे भी बटर लगा लेंगे। अब जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर चीज डाल देंगे। चीज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके ऊपर स्लाइस रख देंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब हम दूसरा सैंडविच बनाएंगे। इसमें हम टमाटो सॉस लगा देंगे। दूसरे स्लाइस पे ग्रीन चटनी लगा लेंगे और इसके ऊपर भी स्टफिंग को स्प्रेड कर देंगे। और उसके ऊपर चीज रख देंगे। और उसका दूसरा स्लाइस रख के इसको प्रेस कर देंगे। अब ये अच्छे से सैंडविच तैयार हो गए हैं। अब इसको एक पैन में बटर डालकर टोस्ट कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे ही टोस्ट करेंगे ताकि नीचे से ये लगे ना। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है और 2 मिनट के लिए इसमें लड लगा देंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब ये बढ़िया सा चीज़ी सैंडविच तैयार हो गया है। अब दूसरा ऐसे ही सैंडविच बना लेंगे। अब ये सैंडविच हो गए हैं तैयार। मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया से चीज़ी बने हैं। दूसरा भी कट करके दिखाती हूँ।
और ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। अब मैं इसकी प्लेटनिंग कर लेती हूँ। अब इसको मेयोनीज और चीज़ से गार्निश कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया से चीज़ी आलू मसाला सैंडविच हो गए हैं तैयार। आप इसको इफ्तार में भी बना सकते हैं और इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और स्नैक टाइम भी इसको बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा सैंडविच आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।